तुमने द लेडीज को देखो, बहुवचन है ना, आर जो भी आर। अब क्लियर हुआ, रूल नंबर वन क्लियर है। चलो अब हम रूल नंबर टू पर चले, हम रूल नंबर टू पर चले। नहीं, इसका सेंटेंस हम कंप्लीट करें तो हम हेड सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। हेड सब्जेक्ट क्या होता है? प्रेपोजिशन के बाहर इस तरफ जो आ रहा है, प्रेपोजिशन वाले फ्रेज से बाहर उसमें जो संज्ञा आ रहा है वो हमारा हेड सब्जेक्ट होगा। देखो द बॉक्स ऑफ स्वीट्स लिखो, द बॉक्स ऑफ स्वीट्स डैश स्वीट्स, द बॉक्स ऑफ स्वीट्स डैश ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ओ एन ऑन द टेबल, द बॉक्स ऑफ स्वीट्स डैश ऑन द टेबल। हरीश, द बॉक्स ऑफ स्वीट्स, ऑफ स्वीट्स प्रेपोजिशनल फ्रेज है, उसको हटा दो। क्या बचा अपने पास? बॉक्स बचा। एक वचन है या बहुवचन है? इज ऑन द टेबल। पंकज, द बॉक्स ऑफ स्वीट्स, ऑफ स्वीट्स को हटाओ। अब तुम बॉक्स को देख रहे हो तो तुम्हें कोई डाउट है कि वो एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन है। द बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज ऑन द टेबल। ठीक है, सुनो, मुझे समझ में आ रहा है कि तुमको लग रहा है कि हम कैसे पहचानेंगे कि एक वचन है या बहुवचन है, है ना? हम पहले ये मोस्ट बेसिक चीज कर लें, इसके बाद हम कल उन संज्ञाओं को देखेंगे जो हमेशा हर हाल में प्लूरल होता है, और फिर हम उन संज्ञाओं को देखेंगे जो हमेशा हर हाल में सिंगुलर होता है भले ही एस पे खत्म हो। समझ में आई? तो जैसे जैसे हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्लियर होगा। अभी तो केवल बेसिक जो है, जैसे माउस, एम ओ यू एस ई, द माउस डैश रनिंग, द माउस डैश रनिंग ऑल ओवर द प्लेस, माउस एक वचन है। इज द माइस आर रनिंग हो जाएगा, करता भी अकॉर्डिंग। ये तो बेसिक है, तुम्हें पता है, लेडी लेडीज, मैन वुमन, मैन मैन, वुमन वी मैन, गर्ल गर्ल्स, बुक बुक्स, ये तो तुम्हें बेसिक पता है। तुम्हें एक्चुअली चिंता हो रही है कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ब नाउन जिसको देख के समझ में नहीं आए कि सिंगुलर है या प्लूरल है, वो मैं कंप्लीट लिस्ट इसमें है तुमको अवेलेबल हो जाएगा। ये हमेशा सिंगुलर या हमेशा प्लूरल है। एक्सरसाइज तो मैं ऑलरेडी तैयार करके लाई हूँ पर आज मैं दे नहीं गई क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं तुम्हें। ये रहा एक्सरसाइज, डोंट वरी, है ना, कर लेंगे उसको। अब अगला देखो, अ सेट ऑफ 12 बुक्स, अब तुम क्या लगाओगे? इज अवेलेबल। क्यों? क्योंकि 12 बुक्स को तुम नहीं देखोगे, तुम 12 बुक्स को नहीं देखोगे। ऑफ 12 बुक्स प्रेपोजिशनल फ्रेज है, उसे हटा दो। अ सेट को देखो, अ सेट, ये आपका एक वचन है, ये आपका एक वचन है, अ सेट, इसलिए आप इस लगाओगे, अ सेट ऑफ 12 बुक्स इज अवेलेबल। ठीक है, अगला, द बॉक्स ऑफ नेस्लेस चॉकलेट्स इज मिसिंग, द बॉक्स, मेरे घर में नेस्ले चॉकलेट्स का डिब्बा रखा था, है ना, अब बहुत सारे छोटे बच्चों को मैंने बुलाया था, पता चला बॉक्स गायब हो गया, तो अब बॉक्स ऑफ नेस्ले, कंपनी का नाम है नेस्ले कैडबरी की तरफ, चॉकलेट्स, एक बॉक्स
जिसमें कई चॉकलेट्स हैं, बॉक्स तो एक ही है, एक डब्बा गायब है जिसके अंदर बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, बॉक्स इज मिसिंग, ऑफ चॉकलेट से मतलब मत रखो, उसको तो हटा दो, अ बॉक्स ऑफ नेस्ले चॉकलेट्स इज मिसिंग, द बॉक्स ऑफ नेस्ले चॉकलेट्स इज, समझ में आ गया, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अब लग रहा है डायरेक्टर्स बहुवचन है, ऑफ डायरेक्टर्स प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ऑफ डायरेक्टर्स प्रेपोजिशनल फ्रेज है, द बोर्ड एक वचन है, एक बोर्ड है ना, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और इसलिए अगर मीट क्रिया है मिलना तो मीट्स आ जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के हिसाब से, ये क्लियर हुआ क्या, ये रूल क्लियर है मकर, हाँ क्या, हाँ पक्का जी, नहीं नहीं वो पूछ रहा है इसमें इस और आर वाला क्यों नहीं चॉइस आया, देखो बात इस और आर की नहीं है, इस एक वचन क्रिया ध्यान दो, इस एक वचन क्रिया है, आर बहुवचन क्रिया है, उसी तरह से जब हम गो लगाते हैं, गो द बॉय गोज एक वचन क्रिया थर्ड पर्सन, गो का हमने एस लगा के गोज कर दिया, एक वचन क्रिया है ना, और द बॉयज गो बहुवचन क्रिया है, क्योंकि बॉयज बहुवचन संज्ञा है ना, जो क्रिया है वो क्रिया हमेशा इज और आर हो ये जरूरी नहीं है, इज आर वॉज वर इनके अलावा मुख्य क्रियाएं भी हो सकती हैं जहां एक वचन थर्ड पर्सन में हम एस लगाते हैं, बहुवचन में हम लगाते हैं, कि आई गो, वी गो, यू गो, यू ऑल गो, He goes, she goes, they go, है ना, ये तो एक ऐसा अपना लगा, और उसके अलावा अगर बहुवचन दे है तो क्या लगाओगे, they go लगाओगे, और अगर he आ गया तो एक वचन है, अब तो goes लगाओगे, समझ में आ गई, क्रियाएं मेन वर्ब भी हो सकती हैं, और ये इज आर वॉज वर ये भी हो सकता है, इनमें से कोई सा भी चार ऑप्शन में होगा, मेन वर्ब हो सकता है सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग है, है ना, सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीट्स मिलते हैं क्रिया, बोर्ड एक ही है ना, बोर्ड मिलता है, एक बोर्ड में अनेक सदस्य, पंकज ये चाबियों का गुच्छा रहा मेरे हाथ में, अ बंच ऑफ कीज, अ बंच एक बंच ऑफ कीज, 25 चाबियां इसमें, पर बंच तो एक ही है, अ बंच ऑफ कीज इज लाइंग ऑन द टेबल, पड़ा हुआ है टेबल पर, समझ में आया, मेन क्रिया ये, तुम्हारा जो सवाल है कि मीट्स कैसे आया, क्योंकि क्रिया तो मेन क्रिया भी हो सकती है, सहायक भी हो सकता, सहायक जो कि मेन वर्ब बनकर आई है, हमने किया था ना, वी डू हैव, मेन वर्ब भी बनकर आ जाते हैं ये, यस मैंने ये सब नहीं कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो पहचान रहे हो क्या, ये हम टेंसेस नहीं कर रहे,
हम सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब कर रहे हैं। केवल वर्ब जो कि सिंगुलर है या वर्ब जो कि प्लूरल है, इसमें आप सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं कर रहे, अपन सिर्फ ये कर रहे हैं कि वर्ब सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लूरल वर्ब आएगा। किस सिंगुलर, वो है तुम्हारा सिंगुलर है ना, आर आपका बहुवचन है, वॉज आपका एकवचन है, वर आपका बहुवचन है ना, और बोर्ड आपका एक है, तो बोर्ड मीन्स द मेंबर्स, अगर होता तो द मेंबर्स क्या होता रवि, द मेंबर्स मीट, मीट आ जाएगा ना, मेंबर्स मीट, द बोर्ड मीट्स, द बोर्ड तो एक वचन है ना, इसलिए मीट्स, मेंबर्स तो अनेक है ना, बहुवचन है ना, मीट, ये क्लियर हो गया, एक वचन और बहुवचन क्रिया क्लियर हो गया या नहीं, हाँ नहीं क्लियर हुआ, चलो अब रूल नंबर टू, नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछो, सो तो पूछो, हाँ उसमें अपॉस्ट्रोफी एस क्यों आएगा, वो तो बहुवचन है, द बंच ऑफ कीज वो बहुवचन है, नहीं कीज बंच नहीं बनता, बंच ऑफ कीज किसको, नहीं मानेंगे ना अपॉस्ट्रोफी एस, तुम्हें पता है ना माई ब्रदर्स चिल्ड्रन, माई ब्रदर्स चिल्ड्रन आर कमिंग, मेरे भाई के बच्चे, माई ब्रदर, अभी वो रूल मैंने कराया नहीं है एक्चुअली, है ना, सुनो अभी तो केवल प्रेपोजिशनल फ्रेज वाला रूल देखो, उलझ जाओगे अभी, स्टेप बाय स्टेप चलो, ये टॉपिक बहुत टफ है, हाँ किसके, हाँ लिखो लिखो, द पैनल ऑफ जजेस, द पैनल PNEL, द पैनल ऑफ जजेस JUDGES डैश डैश सिटिंग देयर, सिटिंग देयर, फिर लिखो फिर भी रूल नंबर टू
जो सेंटेंसेस हियर और देयर से शुरू होते हैं उनमें वास्तविक सब्जेक्ट क्रिया के बाद ही आता है। जो सेंटेंसेस हियर और देयर से शुरू होते हैं उनमें वास्तविक सब्जेक्ट क्रिया के बाद ही आता है। जैसे देयर आर फोर चेयर्स इन द रूम, हमने देयर के बाद आर इसलिए लगाया, फोर चेयर्स बहुवचन आ रहा है, चार कुर्सियां, इसलिए अपन ने आर लगाया। अगर हम एक और सेंटेंस बनाए, देयर डैश अ मैन आउटसाइड, अ मैन एक आदमी, देयर इज अ मैन आउटसाइड। हियर का देखो, हियर डैश सम पेपर्स, सम पेपर्स आर बहुवचन, हियर आर सम पेपर्स है ना, और हियर डैश अ बुक ऑन दिस सब्जेक्ट, एक बुक है, हियर इज अ बुक ऑन दिस सब्जेक्ट। ये क्लियर है, क्लियर है। अब तीसरा, हिम्मत कर लूं क्या थोड़ी, days
in April, the number, Ekvachan, is 30. The number is 30. The number of dancers coming to the party is 12. The number ke saath is Ekvachan laga de. A number of details, has ya have. A number of details, Bahuvachan have. Third person singular hota to has lagate. है ना? Listen, क्लास में आने वाले बच्चों की संख्या बढ़ गई है. The number of students has या have increased? Has. The number has increased. अब दूसरा सेंटेंस देखो. A number of students dash stopped coming. काफी सारे बच्चों ने have stopped coming. बहुवचन समझते हैं. चलो इसको कल पढ़ाएंगे आगे. Four more charges.